तो दोस्तों, पिछले दिन मैं एक वीडियो बनाया रेगुलेटर सेक्शन का ऊपर, जो सीआरटी चाइना जो मार्केट का लोकल किट है, इसका ऊपर एक वीडियो बनाया। और वो वीडियो के अंदर मैं देखा कि बहुत कमेंट आया। एक कमेंट के अंदर लिखा देखा कि 5 वोल्ट ओके है, 8 वोल्ट मिसिंग है। तो दोस्तों, बार दोस्तों वीडियो के अंदर मैं थोड़ा क्लियर कर दिया कि 5 वोल्ट ड्रॉप होगा तो क्या करना पड़ेगा, 8 वोल्ट ड्रॉप होगा तो क्या करना पड़ेगा। बहुत बहुत अच्छा तरह से मैं समझने के लिए कोशिश किया। तब भी आज ये वीडियो के अंदर आपको सेफ ये जो रेगुलेटर सेक्शन का अंदर जो ट्रांजिस्टर है, इसका ऊपर कुछ भी एक वोल्टेज मिसिंग हो जाएगा तो इसका ऊपर मैं और विस्तार मैं डिटेल्स बताने के लिए कोशिश करूँगा। तो न्यू जो व्यूअर्स ये वीडियो आप देख रहे हो, तो ये वीडियो देखने का पहले फर्स्ट इसका पहले जो मैं वीडियो बनाया जो रेगुलेटर सेक्शन होता है ये किस तरह काम करता है, वो वीडियो आप जरूर एक बार देख लीजिए। वो वीडियो लिंक मैं ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। और चाहे तो ये वीडियो का ऊपर जो आई बटन है, ठीक है, आई बटन पर ये वीडियो लिंक मैं दे देता हूँ। आप फर्स्ट वो लिंक क्लिक करके वो वीडियो एक बार देख लीजिए, और उसके बाद आप ये वीडियो एक बार देखिए, तो पूरा आसान हो जाएगा। आपको जिस तरह समझाऊंगा पूरा क्लियर हो जाएगा कि 5 वोल्ट मिसिंग और 8 वोल्ट मिसिंग जब हो जाएगा क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको वो वीडियो के अंदर जो बात है कि 5 वोल्ट कौन पोजीशन पर जाता है, 8 वोल्ट कौन पोजीशन पर जाता है, ठीक है। और ये 5 वोल्ट और 8 वोल्ट किस टाइम ये आउटपुट देता है, तो तब भी मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि जब ये पीसीबी स्टैंड बाई से ऑन हो जाता है, स्टैंड बाई से ऑन होने के बाद ये 5 वोल्ट और 8 वोल्ट दोनों ट्रांजिस्टर से एक ही साथ वोल्टेज आउटपुट देता है। कभी कभी होता है कि कुछ भी एक वोल्ट मिसिंग हो सकता है, 5 वोल्ट भी मिसिंग हो सकता है, 8 वोल्ट भी मिसिंग हो सकता है। तो दोस्तों, ये जो सेक्शन है ये सबसे क्रिटिकल सेक्शन लग रहा है। मेनली न्यू टेक्नीशियन को ये क्रिटिकल सेक्शन लगेगा। ये सेक्शन जब फॉल्ट हो जाएगा तो वो आइडेंटिफाई करना कि वो वोल्टेज लाइन को कैसे सॉल्व किया जाता है, कौन सा पास फॉल्ट है। तो दोस्तों, इसीलिए ये वीडियो आपको शुरू से लास्ट तक देखना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा टाइम आपका वेस्टेज में नहीं करना चाहता हूँ। तो इसका पहले ये जो ब्लॉक डायग्राम है, इसका जो रेगुलेटर सेक्शन है, ये ब्लॉक डायग्राम सेक्शन को आपको दिमाग में पूरा सेट करना पड़ेगा। तब आप इसका अंदर कितना पार्ट्स है तब पता कर सकते हो कि कौन कौन पार्ट्स प्रॉब्लम से हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप कमेंट करके छोड़ दिया कि 5 वोल्ट लुके है, 8 वोल्ट मिसिंग है, तो क्या करना पड़ेगा, मतलब कौन सा पार्ट चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स काम ऐसा नहीं होता है। हर टाइम ओनली एक पार्ट्स खराब होगा ये कभी नहीं होता है। दूसरा बार होता है कि कभी जेनर शॉर्ट हो जाता है, कभी ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाता है, कभी ये सप्लाई लाइन का आउटपुट लाइन शॉर्ट हो जाता है। तो आपको चेक करना पड़ेगा, किस तरह चेक करना पड़ेगा आपको ये वीडियो के अंदर बताऊँगा। इसका पहले आपको चलिए ये जो ब्लॉक डायग्राम है इसका मैं इसका ऊपर डिटेल्स वीडियो बनाया, वो वीडियो भी आप देखना चाहता हो तो ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक दे दूंगा। बट थोड़ा सा आपको ये वीडियो के अंदर दिखाना चाहता हूँ जो मैं ड्राइंग किया। अब देख सकते हो ये ब्लॉक डायग्राम है जो 5 वोल्ट और 8 वोल्ट। तो दोस्तों, ये 5 वोल्ट एक रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है और ये 8 वोल्ट रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है। ये किस टाइम काम करता है, किस तरह काम करता है, कब वोल्टेज आउटपुट देता है। तो दोस्तों, आपको बात है कि मेन प्रोसेसर जो आईसी होता है, मेन प्रोसेसर आईसी का अंदर एक एक्स्ट्रा सप्लाई आता है जो फर्स्ट पीसीबी पर सप्लाई देने का साथ साथ एक 5 वोल्ट आता है। जिस 5 वोल्ट ये प्रोसेसर आईसी का 9 नंबर पिन और 55 नंबर पिन पर आता है, ठीक है। तो ये जो आईसी, ये आईसी का 9 नंबर पिन और 55 नंबर पिन का अंदर आता है, जो पहले वीडियो के अंदर बताया है, दिखाया अच्छा करके। तो ये तो दोस्तों, चलिए ये जो 5 वोल्ट आता है, देखिए ये लाइन को आपको देखना पड़ेगा। बीच में एक रेजिस्टेंस है 150 ओम्स से 200 ओम्स का अंदर बीच में रेजिस्टेंस देखा जाता है। और ये सप्लाई आता है जो दोस्तों रेगुलेटर सेक्शन सप्लाई होता है, ये जो डायोड है, ठीक है, जो आपको वीडियो के अंदर बताया कितना नंबर डायोड, 1 2 3, ये 3 नंबर डायोड से, ठीक है, ये लाइन को आपको चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों, उसका पहले ये जो दो ट्रांजिस्टर है, सेम नंबर का ट्रांजिस्टर, एक ट्रांजिस्टर से 8 वोल्ट और एक ट्रांजिस्टर से 5 वोल्ट जो निकलता है, ये ट्रांजिस्टर का अंदर, दोनों ट्रांजिस्टर का अंदर सप्लाई आना चाहिए, तब ये ट्रांजिस्टर वर्किंग करेगा, ठीक है। सप्लाई जो आना चाहिए, देखिए मतलब ये जो 8 वोल्ट ट्रांजिस्टर है इसका अंदर जो एक पिन कलेक्टर पिन है, यहाँ पर 11 वोल्ट सप्लाई यहाँ से मौजूद होना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो 11 वोल्ट सप्लाई लाइन ये कहाँ से आता है, दोस्तों ये रेगुलेटर सेक्शन से आता है,
ठीक है, ये सप्लाई मिसिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ भी रेजिस्टेंस मैं नहीं लगाया, बहुत पीसीबी के अंदर रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलता है, बट कुछ कुछ टीवी पीसीबी का अंदर रेजिस्टेंस भी देखा जाता है, तो वो रेजिस्टेंस को चेक करना पड़ेगा। मतलब ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन पर 11 वोल्ट का आसपास आपको देखना पड़ेगा, तब ये ट्रांजिस्टर काम करेगा। ये ट्रांजिस्टर काम तब करेगा या पर 8 वोल्ट आउटपुट तब करेगा जब स्टैंड बाई से ऑन करने का बाद, ठीक है, स्टैंड बाई से ऑन करने का बाद ये जो मिडिल पिन है, जो बेस पिन होता है, यह पर 8.2 वोल्ट आना चाहिए। ठीक है, ये जो 8.2 वोल्ट, तो दोस्तों ये 8.2 वोल्ट कहाँ से आता है? ये 8.2 वोल्ट आता है, देखिए ये जो वर्टिकल सप्लाई 26 वोल्ट जाता है, ये लाइन का अंदर बीच में एक रेजिस्टेंस देखा जाता है। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस 3.3 के रेजिस्टेंस है, और ये लाइन का अंदर 100 ओम्स का रेजिस्टेंस है, और ये स्टैंड बाई ट्रांजिस्टर है। स्टैंड बाई ट्रांजिस्टर पर यह पर 0 वोल्टेज देखा जाता है, 0.4 वोल्ट स्टैंड बाई कंडीशन पर। ठीक है, जब स्टैंड बाई से ऑन हो जाता है, मतलब स्टैंड बाई सिग्नल ये आईसी पर आता है, तो ये आईसी से 64 नंबर जो पिन है, यह से एक सिग्नल ये 0 हो जाता है, तो ये लाइन का अंदर एक डायरेक्ट से सिग्नल ये ट्रांजिस्टर स्टैंड बाई ट्रांजिस्टर पर आने के बाद, ये जो पॉइंट है ये वोल्ट 8.2 वोल्ट के आसपास हो जाता है। क्योंकि क्यों 8.2 वोल्ट के आसपास हो जाता है? क्योंकि ये लाइन का अंदर बीच में यह पर एक 8.2 वोल्ट का जेनर डायोड है। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि मान लो ये जेनर डायोड शॉर्ट हो गया, शॉर्ट होने का रीजन से यह पर जो 8 वोल्ट मिलना चाहिए, ये जो 26 वोल्ट जो वर्टिकल सप्लाई लाइन है, बीच में अलग से एक जेनर सॉरी अलग से एक रेजिस्टेंस है, ये वोल्ट 0 हो जाएगा, तो तब भी 8 वोल्ट आउटपुट नहीं देगा। अधिकतर ये जेनर डायोड फॉल्ट हो जाता है 8.2 वोल्ट का, जो इसका बेस पिन के साथ कनेक्शन है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन, कलेक्टर पिन पर सप्लाई आना चाहिए, बेस पिन पर 8 वोल्ट आना चाहिए। 8 वोल्ट तब आता है स्टैंड बाई से ऑन होने का बाद। ठीक है, मान लो 5 वोल्ट ओके है तो स्टैंड बाई से ऑन हो गया, तो 8 वोल्ट नहीं आउटपुट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर सप्लाई आपको चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर 8 वोल्ट चेक करना पड़ेगा। क्या होता है कि ये जेनर भी शॉर्ट हो जाता है और ये ट्रांजिस्टर भी हो सकता है कि मीटर का अंदर ये ट्रांजिस्टर ओके देखा जाता है, तब भी लोड कंडीशन पर ये ट्रांजिस्टर लीकेज शॉर्ट होने का रीजन से यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज 8 वोल्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये दो कंडीशन आपको बताया। और दोस्तों आपको बताया कि आप चेक करने का तरीका देखिए कि ये जो 8 वोल्ट लाइन जो सर्किट के अंदर चला गया, आपको ये 8 वोल्ट पॉइंट को ओपन करना पड़ेगा। मतलब ये जो 8 वोल्ट लाइन जिस लाइन पर जा रहा है उसका आपको डिसकनेक्ट करना पड़ेगा। डिसकनेक्ट करने के बाद ये ट्रांजिस्टर पिन पर मीटर लेके चेक करके देखिए कि 8 वोल्ट मिलता है कि नहीं। दोस्तों 8 वोल्ट मिलेगा और यहाँ पर सब कुछ वोल्टेज मिलेगा, तो दोस्तों इसका आउटपुट लाइन जिस लाइन को आप काट किया उसका आउटपुट साइड शॉर्ट हो सकता है, तो किस तरह वो भी चेक करना पड़ेगा, तब भी आपको इसी टाइम बताऊंगा। उसका पहले आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि ये ट्रांजिस्टर ओपन करने के बाद 8 वोल्ट मिल जाता है और आउटपुट सेक्शन ओके है, तब भी ये आउटपुट सेक्शन पर लोड देने के बाद ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। ये भी कभी कभी देखा जाता है, जो प्रैक्टिकल वीडियो के अंदर आपको दिखाया, तो इसका रीजन ये ट्रांजिस्टर खुद फॉल्ट हो सकता है, ये जेनर डायोड खुद फॉल्ट हो सकता है, क्योंकि जेनर डायोड लोड का बजाय भी शॉर्ट हो जाता है, ट्रांजिस्टर भी लोड का बजाय शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर ओपन करने के बाद इसका कलेक्टर पिन पर आपको 11 वोल्ट चेक करना पड़ेगा, और ये ट्रांजिस्टर ओपन करने के बाद इसका बेस पिन पर आपको 8.2 वोल्ट चेक करना पड़ेगा। तो मतलब इसका बायसिंग सर्किट सब कुछ ओके है, और उसके बाद आपको न्यू ट्रांजिस्टर लगा के देखना पड़ेगा। देखने के बाद देखिए यहाँ पर जरूर आउटपुट 8 वोल्ट होना चाहिए। मान लो यहाँ पर 8 वोल्ट आउटपुट नहीं हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा? तो देखिए दोस्तों ये 8 वोल्ट कहाँ पर जाते हैं आपको बताया क्या कि मान लो ये 8 वोल्ट का जो ट्रांजिस्टर है, ये जो लाइन जा रहा है, देखिए बीच में जम्पर है, तो लाइन को कट करके देखना, मतलब ये जम्पर को ओपन करके आप देख सकते हो, ये जम्पर ओपन करने के बाद यहाँ पर 8 वोल्ट मिलना चाहिए। मान लो जम्पर ओपन करने के बाद यहाँ पर 8 वोल्ट मिल रहा है, तो ये जम्पर को आप कनेक्शन कर दीजिए और ये लाइन को अच्छा करके चेक कीजिए कि इधर ये लाइन किधर जा रहा है। ठीक है, किधर जा रहा है, मान लो यहाँ पर आ गया और यहाँ से ये पिन पर आ गया, और इसका अंदर एक कैपेसिटर, तो दोस्तों देखिए ये एक कैपेसिटर है जो नेगेटिव के साथ कनेक्शन है, हो सकता है ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया। ये कैपेसिटर जब शॉर्ट हो जाएगा ये 8 वोल्ट ग्राउंड पर चला जाएगा, मतलब वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। उसका पहले आपको किस तरह चेक करना पड़ेगा, ये कैपेसिटर पिन को ओपन करके देख सकते हो, नहीं तो ये लाइन कहाँ पर चला गया कि आईसी का 17 नंबर पिन पर।
ठीक है, तो ये आईसी खुद शॉर्ट हो जाएगा, तो आईसी का इंटरनल सिस्टम शॉर्ट हो जाएगा, तो ये 8 वोल्ट सप्लाई यहाँ पर आने का बाद तो दोस्तों वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है। तो दोस्तों इसी तरह डायरेक्ट आईसी शॉर्ट हो जाएगा तो ज़रूर इसका अंदर जो 8 वोल्ट ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर को आप टच करके देखेगा तो मान लो ये 8 वोल्ट ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ये 8 वोल्ट ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर को टच करके देखेगा तो सप्लाई देखिए ये बहुत ही ओवर हीट होगा, ठीक है, ये चेक करने का नॉर्मल तरीका, बहुत ही ओवर हीट होगा। और ये दोस्तों ट्रांजिस्टर खुद शॉर्ट हो जाएगा तब भी दोस्तों ट्रांजिस्टर ओवर हीट होगा, ठीक है। तो आपको ये आईसी पिन ओपन करके भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है, मतलब ये आईसी पिन का आपको ओपन करना पड़ेगा, पूरा आईसी ओपन करने का ज़रूरत नहीं है। ओपन करने के बाद इसका पहले जो लाइन है वो पर आपको इस तरह वोल्टेज चेक करना पड़ेगा कि वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं, हो सकता है वोल्टेज ज़रूर मिल जाएगा। और दोस्तों ये आईसी कनेक्ट करने के बाद वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा तो मतलब आईसी ख़राब है, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो के अंदर आपको जिस तरह से मैं बताया समझ में आ गया, तब भी दोस्तों आपका दिमाग में कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा है कि डाउट चल रहा है तब जरूर कमेंट करके बताएं, बट आपका कमेंट क्लियर होना चाहिए। अब जितना क्लियर कमेंट करके बताएगा मैं आपको आंसर देने के लिए कोशिश करूंगा और आपको सही आंसर दे पाऊंगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो फुल वॉच करने के लिए।